गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। तो आज हम हानले में हैं। कल कुछ 6 बजे आए थे यहाँ पे, उसके बाद में सामान वगैरह लोड करके फिर बाद में यहाँ पे ही उन्होंने चाय वगैरह दिया। और अभी हम निकल रहे हैं उमलिंगला किले, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जाती है वो। तो बस अभी निकल चुके उमलिंगला की तरफ। कितना किलोमीटर है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ जाना है और आना है। ऑफ रोडिंग तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से जो ब्रिज है वहाँ पे आगे, वहाँ तक पूरा ऑफ रोडिंग है। उसके बाद में अच्छा रास्ता है, यहाँ पे ही सांस फूल रही है। यहाँ से 92 किलोमीटर है उमलिंगला। यहाँ से अभी अच्छे रोड है, दो रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, ये रास्ता और एक है दूसरा, वो साइड से जहाँ पे आप रह रहे हैं वो साइड से एक रास्ता है, पर वो 10-12 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है, और इसके बाद में वो अच्छा रास्ता आता है। हानले का एल्टीट्यूड है 15,300, और अभी हम लोग को जाना है 19,000 प्लस में जाना है, तो 4,000 फीट डायरेक्ट बढ़ जाएगा। बस ऐसे ऊपर की तरफ चलते जाना है, चलते जाना है। ये कुछ तो 40 ले करके है गांव, वहाँ तक 44 किलोमीटर है यहाँ से, तो वो पार करने के बाद शायद से राइट मारना है। यहाँ से रोड देखो दिख रहे हैं नीचे तक, ऐसे ही हम घूम के आए और घूम के ऐसा ऊपर तक जाना है। अभी कितने हाइट पे वो पता नहीं, पर रहेगा 16,000 तक रहेगा। अभी से सब पहाड़ छोटे दिख रहे हैं और ये जो पहाड़ है वो सबसे बड़ा दिख रहा है, बाकी सब पहाड़ छोटे दिख रहे हैं। हम भी नीचे से पूरा ऊपर तक आ गए, 15,000 फीट से अभी 17,000 फीट तक रह गए। अभी तक हमारा 28 किलोमीटर हो गए है। थोड़ा गाड़ी ऐसा प्रॉब्लम दे रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। अभी तक मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑक्सीजन का, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तक आए एक बार उमलिंगला करने के बाद पूरी राइड सक्सेसफुली हो जाएगी। अभी हम आ गए 18,000 फीट पे, सिर्फ अभी ये खारदुंगला से भी ज़्यादा हाइट है, सिर्फ अभी हम लोग को जाना है 19,000 फीट पे। अभी वो वाला माउंटेन पूरा चढ़ के हो गया, कुछ तो 18,000 फीट का था। अभी यहाँ से उतर लें, मेरे पास 2 कांडी पेट्रोल है, तो कम से कम मेरा अभी तक 80-90 किलोमीटर जाएगा, और 1 लीटर ही पेट्रोल हमने लाया है। हम लोग के पास पेट्रोल था पर पेट्रोल लाया नहीं, 1 ही लीटर लाया है। अभिजीत की गाड़ी तो जाएगी रिटर्न, पर मेरा और प्रथमेश का थोड़ा सीन हो जाएगा, देखते जब तक रिजर्व नहीं लगेगा तब तक वो वाला पेट्रोल है। नीचे जाके गांव में मिलेगा पेट्रोल तो 3-4 लीटर डाल देंगे। यहाँ पे शायद से 150 रुपया लीटर है तो डाल देंगे। तक सब में कट टू कट पेट्रोल है, पेट्रोल होके भी हमने पेट्रोल कैरी नहीं किया, नहीं तो डाला नहीं। होप सो कुछ होना नहीं चाहिए। और एक यहाँ पे ब्रिज आ गया, अभी उमलिंगला ये तरफ है, एक गांव है उधर रुके। यहाँ से उमलिंगला कुछ तो 25 किलोमीटर बाकी है, और यहाँ पे पेट्रोल डाला क्योंकि 2 कांडी पेट्रोल जा तो सकती थी पर जान दो ये डाल दिया। अभी 750 ml का 120 रुपये यहाँ पे लेते हैं। अभी पैसा नहीं देखना है, सिर्फ पेट्रोल देखना है, तो अभी देखते हैं। पेट्रोल तो डाला है, अभी 25 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं। बस यहाँ पे अभी कॉफ़ी पिया, वो जो अहमदाबाद का लड़का है वो हम लोग को उधर मिल गया था, तो वो भी अभी हमारे साथ ऊपर तक जा रहा है। फिर देखो ऊपर का क्लाइमेट
थोड़ा चेंज हो रहा है, नीचे धूप निकल रहा था और अभी यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बर्फ भी दिख रहा है। एवरेस्ट बेस कैंप की जो हाइट है वो ये हाइट है, उससे भी ऊपर ये हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पास है जो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। सामने जो आपको बादल दिख रहे हैं और पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे बारिश हो रही है, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है बारिश हो रही है, कैमरा में शायद से नहीं दिख रहा है। बस ना अभी कार्बोरेटर की ये बढ़ा रहा हूँ तो चढ़ने में थोड़ा दिक्कत कम देगा। बस का बस ये कार्बोरेटर का ये बड़ा है तो चढ़ जाएगा, क्योंकि आरपीएम बढ़ाने से गाड़ी चढ़ती है तो इसलिए आरपीएम बढ़ा है। पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खाती है, नीचे जाने के बाद फिर से कम कर देगा, पर अभी फ़िलहाल तो उतना चाहिए तो इसलिए उतना कर दिए। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला। हाँ, बारिश देखो वहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे क्लियर ही है और क्लियर ही रहना चाहिए जब तक हम ऊपर से नीचे नहीं आते। और हम आ गए हैं उमलिंगला। ब्रो वेलकम यू टू हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड उमलिंगला, 19,024 फीट हो गया हमारा। मैं पहुंच गया, फोटो वगैरह खींचना चालू है। आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा तीनों भाई बाइक है और ये उमलिंगला पास। अभी एक घंटे के ऊपर हो चुका है हम लोग को फ़ोटो निकालने के लिए, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ज़्यादा टाइम इधर खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं है, तो कुछ दिनों को हुआ नहीं है पर तभी भी कोई रिस्क नहीं लेते हम, अभी तैयार व्यार होके निकल जाते हैं। तो अभी आपको डायरेक्ट मोटो ब्लॉक सेटअप में मिलता हूँ, तो चलो चलो। जय चल भाई। यस ब्रो थैंक यू जिक्सी मेरे साथ इतना ऊपर आने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू। और भी राइड करनी है तेरे साथ, ऐसा ही साथ दे बस। उमलिंगला पास इतना हाइट पर होके भी ज़्यादा रश नहीं था, देखा आपने भी ज़्यादा बंदे नहीं थे तो अच्छे से फ़ोटो वगैरह सब खींचे, नहीं तो खारदुंगला में बहुत रश था। लोगों को खारदुंगला पता है, उमलिंगला अभी तक किसी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मतलब जिनको पता है वो इधर आते भी। आज जाना है फिर से हानले, हानले में रुकेंगे, हानले में कुछ एक प्रोग्राम भी है आज, मतलब उनका फेस्टिवल चालू है आज और कल। देखते हैं रूम पे जाने के बाद कि उधर जा सकते या नहीं जा सकते। फिर से हम लोग को 90 किलोमीटर पीछे जाना है और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो वही 3-4 घंटा पकड़ लो, क्योंकि अभी खाना खाते यहाँ पे बीच में जिधर पेट्रोल भरा वहाँ पे ही खाना खाते और फिर आगे जाते, क्योंकि उससे आगे 50-60 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। जो हमने उमलिंगला किया, अभी देखो ऊपर देखो उमलिंगला में बादल कैसे हो गए, अभी यहाँ पे क्लियर है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, शायद से बर्फ गिर रहे हैं क्योंकि अभी तक उधर इतना बर्फ नहीं दिख रहा था हम गए थे तभी, और अभी देखो पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। उमलिंगला तो हो गया, अभी यहाँ पे नीचे जहाँ से पेट्रोल लिया था वहाँ पे खाने के लिए बैठे। अभी खाने में मैगी मंगाया और ब्रेड ऑमलेट मंगाया,
तो वो खाते और फिर आगे निकल जाते। तो बस अभी ऊपर का मौसम गंदा लग रहा है, इसलिए हमने रेनकोट वगैरह पहन लिया है तीनों ने, रेनकोट पैंट वगैरह। अभी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोकल है वो बोल रहे थे कि अभी शायद से बारिश गिरेगा, तो देखते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से। ऑफ रोडिंग में जाएंगे अभी, वो वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। सामने से जब हम आए थे तभी सब क्लियर था, और अभी देखो ऊपर वाला रास्ता कितना डेंजर दिख रहा है, तो इसलिए हम ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से जाएंगे। ये वाला रास्ता नुबुला टॉप, यहाँ पे इंडियन आर्मी बहुत हेल्प करती है, बहुत मतलब कुछ भी हो जाए हेल्प तो करती है। और ये बारिश चालू हो गई है तो थोड़ा धीरे जाएगा क्योंकि बीच बीच में मिट्टी भी है, और गाड़ी तो धो के निकलेगी क्योंकि गाड़ी तो बहुत सारा धूल मिट्टी उसके जो ऊपर चिपका था वो तो धो के निकलेगी। अभी ये बारिश कब तक रहेगी पता नहीं, पर देखते हैं। अभी बर्फ़ हो गया, धूप हो गया, अभी बारिश भी, पर इधर की बारिश बहुत ठंडी है, जैसे बर्फ़ का गोला गिरता है वैसे ही बारिश होती है ठंडा ठंडा। इसके बाद में जो ऑफ रोड चालू होगा उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि बारिश प्लस ऑफ रोड प्लस कीचड़ सब सब रहेगा। यहाँ पे ऐसा थोड़ा थोड़ा बारिश गिरता है इसलिए इतना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं तो बाकी के माउंटेन देखा रहेगा आपने पूरा मिट्टी 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 के माउंटेन यहाँ पे गिरता है। स्नोफॉल भी होता है थोड़ा बहुत, और अभी भी देखो बारिश भी गिर रहा है और थोड़ा बहुत तो स्नोफॉल भी हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े जो है स्नो के जो रहते हैं वो हेलमेट पर लग रहे हैं। ये वाला रास्ता वो अंकल बता रहे थे सुबह जब हमने रूम लिए, वो वाले अंकल ओनर थे। यहाँ से ऑफ रोडिंग है, अभी ये 30 किलोमीटर ऐसा ही ऑफ रोडिंग है, ऊपर से बर्फ़ गिर रहा है और ये नीचे रास्ते ऐसे हो रहे स्लिपरी स्लिपरी, पर क्या करें। वो फोटूला जो था फोटूला उधर से जाते थे तो वो 92 किलोमीटर गिरता था, और उधर का तो मौसम इससे भी डरावना दिख रहा था। अभी ये बर्फ़ गिर रहा है तो हाथ थोड़े फ्रीज हो रहे हैं, अभी 30 किलोमीटर पर क्या करें ऐसा ही जाना है। अभी तो चालू है, 1.5 किलोमीटर हुआ रहेगा, पर वही है चलते टाइम ये रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उतरते टाइम चलो पहले गियर पर डाल दिया और उतरे हो जाएगा। तो ज़्यादा स्नोफॉल गिर रहा है, अभी तो हालत टाइट होगा, ये बादल इधर से ऊपर से जाने चाहिए नहीं तो आज सेकेंड बार मैं गिर जाऊँगा ऐसा लग रहा है मेरे को। एक पैर ब्रेक के ऊपर और एक पैर नीचे ऐसे रख के गाड़ी चला रहा हूँ। लद्दाख इजी नहीं है, लद्दाख सच में इजी नहीं है। जहाँ पे ये बारिश चालू हुआ वहाँ से तो ख़त्म कहानी, हाथ तो पूरे फ्रीज हो चुके, कब तक 32 किलोमीटर होगा वही देख रहा हूँ मैं। बहुत मौसम ख़राब हो गया, अभी बर्फ़ देखो कितना गिर रहा है, हाथ कैसा लग रहा है। अभी तो आगे वाला ब्रेक दबाना ही नहीं है और बहुत तेज़ हाथ पे लग रहा है बर्फ़, ये क्लियर होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब
अभी यहाँ से बर्फ तो कम हो चुकी है पर अभी बारिश गिर रही है, पूरा स्लश स्लश हो चुका है और पूरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं। एक पैर नीचे रखा है और एक पैर ब्रेक के ऊपर। जो भी वेट डालना है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर डालूगा क्योंकि राइट साइड का पैर ऊपर है तो मिस बैलेंस होके वो गिरेगी, इसलिए पूरा वेट लेफ्ट साइड के ऊपर डाला है। 135 किलोमीटर हो चुके हैं, वहाँ से कुछ निकले थे तो 112 या 13 किलोमीटर हो चुके थे, तो अच्छा वाला पैच तो कवर कर दिया। उसके बाद में हम ये वाले पैच पे आ गए। अभी 7-8 किलोमीटर ये वाला पैच हो गया, और भी 20-22 किलोमीटर करना है। बहुत टाइम लगेगा करने के लिए, अभी 3:30 हो रहे हैं तो कम से कम 6 बज जाएंगे। और ठंडी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बता नहीं सकता मैं, इतना ज़्यादा ठंड है, पूरा मौसम ख़राब हो चुका है। सामने सिर्फ धूप दिख रही है, उधर तक सिर्फ जाना है और यहाँ पे ऐसा कुछ बोर्ड भी नहीं है। अभी पीछे एक वैगनर वाला खड़ा था, उनसे पूछा तो बोल रहे थे कि यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है नीचे, तो देखते कितना सीधा जाना है। बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, अभी उन्होंने बताया आगे नदी का पानी ज़्यादा होगा तो जा नहीं सकते, देख लेंगे क्योंकि 3 जन है तो पकड़ पकड़ के एक एक गाड़ी पार करवा देंगे, जितना हो सके उतना जल्दी जाते हैं, जो होगा नसीब में वही होगा, जाना तो है ही तो जाते देखते, और इधर रुक के भी कोई मतलब नहीं है तो इससे अच्छा उधर जाके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही रेत नहीं है, अभिजीत गया उधर से ही जाता हूँ मैं भी। ओ बाप रे, वाइट पाउडर, बहुत पे पाउडर वैसे भी लगाता नहीं हूँ तो इसने तो फेशियल कर दिया पूरा। वो सामने छोटा सा दिख रहा है वो हानले विलेज है, आपको नज़दीक जाके भी दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो जो 2-3 है ये है उससे वो पता चलता है हानले विलेज आ गया। अभी कुछ टेंशन नहीं है, ये वाले सामने वाले रिवर की शायद से बात कर रहे हैं लोग, पहले उधर उधर बोल रहे थे, अभी बोल रहे कि इधर रिवर दिख रहा है, देखते हैं अभी जो होगा, इतना नज़दीक तो आ गए। बस यहाँ से अभी वाटर क्रॉसिंग चालू है, मी तो बोलतो एका एकाची गाडी टाकायला पाहिजे, हा तेच करू। क्या काय करायचं? काय करूया? आगे से है, आगे से घूम के है। कितना कितना किलोमीटर? चल इतना जाऊ, अभी फिर से घूम के जा रहे क्योंकि वो रास्ते में पानी बहुत है, आधी से ज्यादा गाड़ी पानी में जाएगी। तो ये अंकल जहाँ से आए थे उस रास्ते से जा रहे, अभी वहाँ से फेस्टिवल है वहाँ से जा सकते, अभी देखते वो अभी कहाँ से लेके जा रहे क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वो एक घूम के रास्ता है
तो वहाँ से भी जा सकते हैं, पर अभी वो रास्ता भी इतना पता नहीं है किसी को, हम तो नए हैं। और वो अंकल बोल रहे कि उधर से है रास्ता, तो उधर से हम ट्राई कर सकते हैं। तो जो गाड़ी वाले अंकल है वो, उनकी गाड़ी थी फोर व्हीलर, तो फास्ट फास्ट आगे चले गए, अभी वो दिख भी नहीं रहे। तो जो रास्ता उधर बताया था वो रास्ते से हम जाते हैं, ट्राई करते हैं। कि 3 दिन ऐसे गए हमारे, पूरे एडवेंचर करके गए। 2 दिन तो पूरा ऑफ रोडिंग, आज ऑफ रोडिंग प्लस बर्फ बारिश सब। सिर्फ वो नदी पार करने के लिए कुछ तो दिखना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। नदी पार हो गया एक बार तो बस हो गया। ठीक है, हाथ चल। हाँ पहले वो वाले रास्ते से भी नहीं जा सकते, अभी और एक रास्ता है वहाँ से, देखते हैं जा सकते हैं नहीं। यहाँ पे सच में ऐसा हो गया कि खुद का रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि अभी 3 जगह से गए, 3 जगह में सिर्फ पानी पानी भरा है, ऊपर जो बारिश हो रही है उसके वजह से, और वो भी ज़्यादा डीप है, मतलब आधी गाड़ी अंदर जा सकता है। तो अभी ये वाले रास्ते से आए। आज का दिन हम पूरे बूढ़े होने तक भूल नहीं सकते, क्योंकि जिधर से हम पहले बार पानी दिखा था वहीं से हमने डाला, पूरे ट्राई किया था हमने 3 जगह जो था, पर कुछ नहीं हुआ। फिर से हमने वहाँ पे आके बोला एक एक गाड़ी डाल देते, एक एक को हेल्प कर लेते, सेम ऐसा किया। पहले प्रथमेश ने गाड़ी डाली, अभिजीत और मैंने हेल्प किया, फिर मैंने गाड़ी डाली, अभिजीत और प्रथमेश ने हेल्प किया, बाद में अभिजीत की गाड़ी प्रथमेश ने ली, क्योंकि अभिजीत को थोड़ा मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो डाल सकता है, तो प्रथमेश ने गाड़ी ली, वो भी आ गई। बहुत खतरनाक वाला एडवेंचर किया, बहुत खतरनाक वाला। आज क्या क्या सूखा है रायल से पता नहीं, क्योंकि घुटने तक पूरा भीग गए, बोलते समय भी दम लग रहा है। सच में आपको समझ में नहीं आएगा, पर जो हमारा तीनों का फीलिंग है वो अलग ही है। अभी 6% चार्जिंग है, अभी जाता हूँ रूम के इधर और फिर आपको मिलता हूँ। हम कुछ उमलिंगला से 6-7 बजे आए थे, उसके बाद में वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, आपने देखा रहेगा। अभी क्या कर सकते हैं, जो है वो हमने किया, जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, और फिर होटल में आ गए। व्लॉग में यही पेंट कर देता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।